नाम अमरजीत सिंह कोहली है। मैं पिछले 56 साल से म्यूजिकल शोज कर रहा हूँ एज ए हॉबी, और मेरी जो संस्था है सखा कल्चरल सोसाइटी है, इसमें जहाँ हम फिल्म स्टार शोज भी करते हैं तो वहाँ नए सिंगर्स के सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी करते हैं, और उन कॉम्पिटिशन्स के द्वारा कई प्लेबैक सिंगर्स बने हैं जिनमें एक नाम रजवाल है और बहुत सारे नाम हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हमने आज का प्रोग्राम साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गानों को लेके बनाया है, और इसकी एक खासियत है कि ये सारे के सारे गाने कम से कम 60 साल और कुछ गाने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने भूल जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, सीखना भी छोड़ देते हैं, और उनके माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। तो इनको मैंने यही सिखाया है कि आप मेहनत करो, और एक बच्चों को मैंने और शिक्षा दी है जो बहुत ज़रूरी है कि आप कागज़ को के साथ कभी स्टेज में नहीं गाएं। आजकल के शोज में मेरे को ज़्यादातर चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ लोग हाथ में कागज़ लेके या सामने डेस्क पे कुछ ना कुछ गाते हैं और उनके वो एक्सप्रेशंस नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुमिति चौहान का प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देखा, 3,500 लोग थे, 3 घंटे वो लड़की लगातार पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बगैर रेस्ट किए, बगैर कागज़ देखे अलग अलग वैरायटी के शो दे रही थी। इंस्पायर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कब से ये और कहाँ से? जब मैं 6 ईयर्स की थी तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, बट मैं ट्रेनिंग में थी उस टाइम और मुझे ऐसा कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी ने और अमरजीत सिंह कोहली जी ने मुझे प्रोवाइड किया। मैम आप थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम सुकन्या रावत है और मेरी उम्र 14 साल। कितने साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरी मम्मा तो मैं बहुत छोटी सी 4 साल की उम्र से जब मैंने गुनगुनाना गाना शुरू किया था, पर टैलेंट थोड़ी सी मैच्योरिटी की बात पता चलता है, तो जब मैं 6-7 साल की थी तो फिर मैंने फॉर्मल नेक्स्ट आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम आरू शंकर है, मैं 21 साल का हूँ। आप आज गा रहे हो लव चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बहुत ही मुश्किल गाना मन्ना डे साहब का, और इस गाने को लेकर के अक्सर कहा भी जाता है कि मन्ना डे गुस्सा बहुत हो गया था, कि गाने से अगर छेड़छाड़ हो जाती थी तो उनका नेचुरल स्वरूप रहता था गुस्सा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगी गाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस गाने के अर्थ को समझना, इस गाने का कितना अर्थ आप समझते हैं और आपने ये गाना क्यों चुना? एक्चुअली क्या है कि ये गाना मैं भी जानता हूँ कि बहुत मुश्किल गाना है, और एक चीज़ मैं बहुत विश्वास रखता हूँ कि पुराने गाने हमारे जितने भी हैं, फॉर दैट मैटर पुराने गाने जितने भी हैं हमारे लेजेंडरी जितने भी सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर दा, सब लोगों ने जिस तरह से गाया है और उस भाव में उसी तरह से बिना उसमें जो ज़्यादा छेड़छाड़ करे उसे अगर हम 1% भी कुछ उसको प्रस्तुत कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो मैं यही मानता हूँ और आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि लागा चुनरी में दाग जिस तरह से मन्ना दा ने गाया है उसी तरह से मैं कोशिश